कांस्टेबल इमरान रिपोर्टिंग सर। क्या बाबू, ये महीने की तनख्वाह नहीं मिली जैसा है तुम्हारे? क्यों सर? शेफ नहीं बना है ना तुम? खैर, वो सामने झाड़ के नीचे मेरी गाड़ी सेट करो, आगे की प्लानिंग वहीं बैठ के करेंगे अपन। सर बहुत ही सर सर बोल रहा है ना, सर खाने वाला दिख रहा। सब साहब, एक बात पूछूं। क्या है? चालान हो गया, रेडा देखे तो चांद पे चले गए साहब। 1000 रुपए से लेके 10,000 रुपए तक चालान हो गया, लेकिन अपनी तनख्वाह ना बढ़ रही साहब। कौन बोले रहे थे कुछ चालानों के रेट बढ़ गए बोल के? वो तेलंगाना में नहीं, तेलंगाना के बाहर के स्टेटों में बड़े सोए। तेलंगाना में हमारे KCR साहब ये चीज को रोके रखे हुए। ये काम तो बहुत बेहतरीन करे उन्होंने, जो गरीबों पे जुल्म नहीं हो रहा इसके तरफ से। खैर, अब तो यहाँ ठहर के टाइम वेस्ट नको कर, वहाँ सामने जाके खुफिया एजेंट के सर का ठहर जा। एक भी मुजरिम बचना नहीं मेरे नजरों के सामने से, जा सब। अरे क्या हुआ साहब? RC लाइसेंस, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सब है मेरे पास। सब है? हाँ। गाड़ी बाजू लो और सबके पास आओ। अरे सब है तो कहीं को साहब, रुको। हाँ नहीं नहीं, आज तरकारी बाहर से मंगा लो, मेरी मंडी की तरफ नहीं पड़ी ड्यूटी, आज बाहर पड़ी। हाँ पैसे आज देना पड़ता, दे के मंगा लो। ठीक है। अरे फैरो साहब। आओ जी आओ साहब। अरे फैरो साहब, सुबह बोल तो भी चाबी निकाल लिए क्या? साहब को बोलो। अरे अरे साहब, सुबह बोल तो चाबी निकाल लियो ना। RC। अरे है साहब आरती है? नहीं रहन रखा दिया? अरे नहीं साहब, यहाँ है देखो। लो साहब RC। लाइसेंस? यस लाइसेंस। किसका लाइसेंस है ये? अरे मेरा ही छे साहब। सूरत अलग ही दिख रही इसमें, आंखा अंदर दिख रहे पूरे। अरे नहीं साहब, वो लाइसेंस की फोटो लेने गए जब इरखान हो गया था मेरे को, इसलिए सर आके लाइट अंदर चले गए साहब। पोल्यूशन? लो साहब पोल्यूशन सब रख के फिरता हूँ मैं। इंश्योरेंस? हाँ ये इंश्योरेंस पेपर। क्या रे पूरे पेपरों को पीछे करके रखा क्या? अरे नहीं साहब, रखना पड़ता पूरा, चालानों से बचना है तो। सही रखना रे, ऐसा मोड़ के रखते। फिटनेस? हेलो, ये फिटनेस? ये आधार कार्ड का जेरोक्स कहीं को लेके फिर रहा? बहुत जरूरी है साहब, वो कहीं भी घूम गए कर गए तो शनाख्त क्या से काम में आता मेरी। सब है? सब है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सब है साहब। अब जाऊं मैं? 1500 रुपए चालान है तेरे को। 1500? कहीं के 1500 साहब? सब डॉक्यूमेंट आता है ना मेरे पास। ओवरलोड के एक गाड़ी पे इतने चीजा लेके फिरता रे। अरे क्या है साहब? पंडित एक, एक, रो, रो। अरे क्या हुआ साहब, मेरे कहीं को रुक रहे? हेलमेट कहाँ है? अरे क्या साहब दिख रहा है, फोर व्हीलर चला रहा हूँ। साहब का नया कहीं को? आओ सर साहब। अरे क्या हुआ साहब, हेलमेट कहाँ है रे? अरे कहीं की हेलमेट साहब, दिख रहा नहीं फोर व्हीलर है अपने पास। अब तेरे को डबल चालान मारता हूँ। हाँ कहीं का साहब? विदाउट सीट बेल्ट और रैश ड्राइविंग का। अरे साहब समझो साहब, जो भी है देख लेंगे साहब। साहब प्लीज साहब, प्लीज नको साहब। साहब असद साहब, साहब नको साहब प्लीज। अरे बंडी थी बे साहब, नको साहब। जरा जी जरा
बंडी साइड में ले। ए बाबू मेरे गाड़ी बाजू ले। इन्हें मुंह कहीं कुछ छुपा रहा? क्या गुनाह करके आया इन्हें? इन्हें बीवी के मारा खा के आया दिख रहा साहब। तो बराबर है। ए, 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 ए। आवा। आरसी। ये लाइसेंस घर में भूल गया। हेलमेट कहाँ है? एपेंटे। इंश्योरेंस की तो जरूरत नहीं दिख रही तेरे को। सही पहचान है। अब पोल्यूशन क्या होगा तेरे कने? चल साफ करने चल। चलो आओ सर के पास आओ। सर ना इसके पास आरसी है, ना लाइसेंस है, ना इंश्योरेंस है, ना हेलमेट है, ना पोल्यूशन है, फिर भी बड़े बड़े बातें कर रहा सर। क्या बाबू डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? नदीम भाई के पास काम करता हूँ साहब। ठीक है जाओ चाबी दे दर। दे दो साहब। सर इसके पास कुछ भी नहीं है तो भी छोड़ दिएगा सर? उन्हें हमारे साले के पास काम करता रहे इसके वास्ते छोड़ दिया, नहीं तो रात में घर को गए तो अजाब रहता था। मालूम है ना बीवियां कैसे रहते। यस सर। ये कान में सर सर नक्को बोला कर, नहीं तो एक दिन तेरा सर खलम कर देता हूँ। जाओ उधर। अरे नहीं क्या रे, नागिन के सर का लहराते हुए आ रहा, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दिख रहा, पकड़ के ला उसको। सर ये कान में सर बोल के नक्को चिखा कर पूरे सर में दर्द हो रहा, पकड़ के ला उसको। ला रहा। रुका। क्या हुआ साहब? क्या हुआ कुछ पूछने की जरूरत है तुम्हारा? चलो साहब कहीं चलो चलो ले। बोलो साहब कहाँ भूखना है? बोलो बोलो। फूकता हूँ अभी। ये हालत पे अभी तेको फूकने की जरूरत है रे? फूकता हूँ साहब। बोलो बोलो साहब। मशीन ले गया गाड़ी में से? साहब वो गाड़ी छोटा भाई ले गया। एक काम कर इसके मुंह में तेरी नाक डाल के सूंघ। दरा इसके मुंह पे फूक। सही फूक। अच्छा फूक रहे। रे क्या कर रहा है वो? सुन रहा साहब। पिया नहीं पिया नहीं। फूक दिया। क्या पी क्या? अरे क्या पी क्या? सही से बोल, भूई नहीं आ रही। क्या पी क्या आया? अरे साहब सही बोल रहा हूँ साहब, आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया साहब मैं। फिर तेरी ऐसी हालत कैसा हो गई रे? अरे साहब वहां से फूक फूक के आया तो ऐसी हालत हो गई साहब। मैं इसको लहराती हुई नागिन समझा था लेकिन इन्हें तो बरसाती केचुआ निकला। लिख जाके इसको जहाँ था वहीं छोड़ दे, छोड़ बच्चों को काटिंग आना तो चल। ए, चल रे। सर माइनर ड्राइविंग। सर सर प्लीज दे दीना सर। लाइसेंस कहाँ है बेटा? नहीं है सर। क्या एज है आपकी? 17 सर। गाड़ी अंदर चढ़ा ले। अरे सर प्लीज सर सर दे दीना सर। सर प्लीज साहब गाड़ी चढ़ा दिया और बच्चे को भिजा दिया, उनके डैडी को बुला के ला उनके। अरे क्या हुआ साहब? बस्तियों में कह के चालाना मार रहे, बच्चे की गाड़ी खींच लिए। बस्तियों में ना तो कहाँ चलाएंगे बच्चे गाड़ियाँ? बच्चे ये देखिए आप। देख रहे आप 17 साल का बच्चा था ये, लारी में घुस गया, एक्सीडेंट हो गया। इसके लिए आप लोगों की सेफ्टी के लिए बोलते कि अंडर एज 18 के बच्चों को गाड़ी मत दीजिए। गवर्नमेंट का रूल सही है, माइनर ड्राइविंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है। और आप लोग का देखे तो मोहब्बत में बच्चों को गाड़ियाँ दिलाते, कहीं भी बच्चे जाए कुछ भी कर लिए तो बाद में हाय हाय करते बैठते आप लोग। हाँ साहब ये बात तो सही बोले आप, बच्चों को गाड़ी नहीं देना चाहिए, गलती है हमारी मानते हम, लेकिन आप लोगों की भी गलती है साहब। जहाँ बोले वहाँ रोडा खोद दे रहे, जहाँ बोले वहाँ जैसे ट्रैफिक जाम कर दे रहे, चालाना मार दे रहे,
डिवाइडर आना बंद कर दे रहे, जब बोले जब ब्रिज आप बंद कर दे रहे, ट्रैफिक दुनिया की जाम हो जा रही, उसका क्या करना साहब? फिर इसका किसको बोलना जाके हम लोग? फिर देखिए साहब, हमारा काम ट्रैफिक कंट्रोल करना और ट्रैफिक का रूल्स एंड रेगुलेशन कोई वायलेंस तो नहीं कर रहे वो देखना है। अगर ये दूसरे आपको अगर से प्रॉब्लम हो रहे तो जो डिपार्टमेंट का काम है उन लोगों को जाके आप कंप्लेन करिए। और वैसे भी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए, हेलमेट पहन के आप लोग चलाएंगे तो आप लोगों की सेफ्टी रहेंगी, आरसी रखेंगे तो आपकी सेफ्टी है। अगर आपके पास गाड़ी की आरसी नहीं रहेंगी, अगर कल के दिन किसी की गाड़ी चोरी हुई तो हम कैसा पहचानना है इसकी गाड़ी किसकी गाड़ी है बोल के? आपकी आरसी रहे आपके पास तो आपके लिए अच्छा है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके लिए इसलिए इश्यू होता है कि आपको ड्राइविंग करने आता है या नहीं आता। अगर आपको ड्राइविंग ही करने नहीं आया, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपके साथ साथ दूसरे की भी जान खतरे में डाल रहे हैं आप। ब्रिज बंद करते अगर उसकी रिपेयरिंग करना रहा तो इसलिए ब्रिज बंद करते, और जो डिवाइडर्स डालते वो ट्रैफिक जाम नहीं होना बोल के डिवाइडर्स डालते। और जहाँ तक रोडों का सवाल है, ये हम सबका फर्ज है कि अपने टाइम पे टैक्स पे करना। अगर हम सब मिलके टाइम पे टैक्स पे करें ना तो ये कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आती और हमारा देश दिन पे दिन तरक्की करता। जाइए आप ESQR के चालान बन के गाड़ी छुड़ाइए, जाइए। ठीक है साहब, ठीक है साहब, शुक्रिया साहब, बहुत जबरदस्त बोले साहब। ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस आपकी सेफ्टी के लिए होता है, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए होता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका प्रूफ होता है कि गाड़ी आपकी है, और लाइसेंस ये प्रूफ है कि आपको गाड़ी चलानी आती है। अगर आप अच्छे से ड्राइविंग करते हैं तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ताकि आप अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रख सके। ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं, इसे हमेशा फॉलो कीजिए।